कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से निरोगी जीवन मिलता है। इस बार ये पर्व 22 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक रहेगा। तिथियों के घटने बढ़ने से ऐसा हुआ है। त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान धन्वंतरि के प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे करें भगवान धन्वंतरि की पूजा। सबसे पहले नहा धोकर साफ वस्त्र पहने भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें और स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का इस मंत्र से आह्वान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं, आचमन के लिए जल छोड़ें, भगवान धन्वंतरि के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का बर्तन ना हो तो किसी अन्य बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें, मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं, भगवान धन्वंतरि को वस्त्र अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, भ्रामी जैसी पूजनीय औषधियां भी भगवान धन्वंतरि को अर्पित करें। रोग नाश के लिए कामना करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के अंत में कर्पूर और दीपक जलाकर आरती करें। 22 अक्टूबर को पूजा के शुभ मुहूर्त। दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 8:06 से 9:30 तक। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:06 से 2:30 तक, दोपहर 2:30 से 3:54 तक, शाम 5:18 से 6:42 तक। धनतेरस के अवसर पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है। झाड़ू के अलावा आप लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, माता लक्ष्मी के पदचिन्ह भी खरीद सकते हैं। सोना, चांदी और वाहन भी खरीदने के लिए धनतेरस का दिन शुभ माना जाता है।